कुदरत हमेशा से आर्टिस्ट, पोएट्स, ऑथर्स और सबसे क्रिएटिव ह्यूमंस को इंस्पायर करने के लिए जाना जाता है। दुनिया में अलग अलग आर्किटेक्चर्स बनाने के लिए नेचर बहुत बड़ा इंस्पिरेशन रहा है, लेकिन ये बात भी है कि हमारे सिटी लाइफ के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स ने नेचर को डैमेज भी किया है। पर कुछ ग्रेट आर्किटेक्ट्स ने नेचर के बारे में सोच के खूबसूरत आर्किटेक्चर्स बनाए हैं। इन आर्किटेक्चर्स के माध्यम से इंसान और कुदरत के बीच एक अनोखा रिश्ता बनाया है। आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ अनोखे आर्किटेक्चर्स देखेंगे जो नेचर से इंस्पायर होके बनाए हैं। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्क स्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बीजिंग नेशनल स्टेडियम। बीजिंग का नेशनल स्टेडियम ओरिजिनली 2008 के ओलंपिक गेम्स के लिए बनाया गया था। इस स्टेडियम को स्विस आर्किटेक्चर फर्म के हर्जोग और दे मिरोन ने डिजाइन किया था। इस स्टेडियम की डिजाइन बर्ड नेस्ट की तरह दिखती है, इसीलिए बीजिंग के लोकल पीपल ने इसे बर्ड्स नेस्ट का टाइटल दिया है। अगर आप इस स्टेडियम के आर्किटेक्चरल डिटेल में जाएंगे तो पता चलता है कि स्टेडियम की डिजाइन बर्ड नेस्ट की तरह बनाई है। स्टेडियम के स्ट्रक्चर में कटोरी के आकार का इंटीरियर है और छत और स्टेयरकेस को स्टील ट्रूसेस से ओवरलैप किया है। जैसे बर्ड्स अपना नेस्ट बनाते हैं, उसी तरह इस स्टेडियम को डिजाइन किया है। ताइपी 101 ताइवान। ताइपी 101 टावर 101 फ्लोर्स का स्काईस्क्रेपर है। ये टावर 1671 फीट हाई है। ताइपी सिटी में ये स्काईस्क्रेपर सबसे बिगेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ताइपी 101 टावर 2004 में ओपन हुआ था, तब से 2010 तक वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग थी, लेकिन 2010 में दुबई की बुर्ज खलीफा बनने के बाद वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग का टाइटल बुर्ज खलीफा को मिला। इस यूनिक स्काईस्क्रेपर का कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्ट CY ली ने किया है। स्काईस्क्रेपर का स्ट्रक्चर बैम्बू स्टॉक की तरह किया है। अगर आप इस टावर को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा इसमें टोटल 8 रेपिटेटिव सेगमेंट्स हैं और हर एक सेगमेंट में 8 फ्लोर्स हैं। ये टावर बैम्बू स्टॉक की तरह बनाया गया है, इसीलिए इस बिल्डिंग के ग्लास ग्रीन टिंटेड कलर में है। हेलिक्स ब्रिज सिंगापुर। सिंगापुर के हेलिक्स ब्रिज को अलग अलग आर्किटेक्ट्स की टीम ने बनाया है। इस ब्रिज को बनाने का मेन पर्पस था फेमस होटल और शॉपिंग सेंटर को आर्ट साइंस म्यूजियम और गार्डन से कनेक्ट करना। इस ब्रिज के नाम से ही पता चलता है इसका स्ट्रक्चर DNA मॉलिक्यूल के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की तरह बनाया है। ब्रिज को बनाने की आइडिया बहुत ही यूनिक और ब्यूटीफुल है। इस ब्रिज की लेंथ 919 फीट है। इसमें 5 व्यूइंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ से ट्रैवलर स्टनिंग पैनोरामा व्यू देख सकते हैं। सैग्राडा फैमिलिया बार्सिलोना स्पेन। सैग्राडा फैमिलिया बार्सिलोना का टॉप आर्किटेक्चरल वंडर्स में से एक है। काफी सालों तक इस चर्च का कंस्ट्रक्शन अधूरा रह गया था, जो ईयर 2000 में पूरा हुआ। चर्च का अनफिनिश्ड आर्किटेक्चर बाद में नेचर, ह्यूमंस और रिलीजन इनके बीच अनोखा रिश्ता बने इस तरह से बनाया गया है। चर्च का सेंटर पार्ट ट्री और ट्रंक्स और ब्रांचिंग कैनोपी से बनाया गया है। इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य था कि विजिटर्स को ऐसा फील हो कि किसी विशाल जंगल में घूम रहे हैं। लोटस टेंपल न्यू दिल्ली। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इस टेंपल को लोटस की शेप में बनाया है। न्यू दिल्ली का लोटस टेंपल टूरिस्ट का फेवरेट अट्रैक्शन है। ये मंदिर यहाँ जुड़ी आस्था से अधिक अपने आर्किटेक्चर के लिए ज्यादा फेमस है। दुनिया भर के ट्रैवलर्स को इस टेंपल का आर्किटेक्चरल वर्क बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि ये एक बहाई टेंपल है। आर्किटेक्ट फरीबोर्स साभा ने 27 फ्री स्टैंडिंग मार्बल पेटल्स 3 ग्रुप में अरेंज करके 9 साइड्स में स्प्रेड किए हैं, ताकि टेंपल का स्ट्रक्चर उनके धार्मिक जरूरतों के साथ मेल खाता हो। इस टेंपल के एक्सटीरियर को बनाने में जो मटेरियल्स यूज हुए हैं, वो ग्रीस के पेंटेली माउंटेन से लाए गए थे। तो ये थे कुछ यूनिक आर्किटेक्चर्स जो कुदरत के अलग अलग चीजों की तरह बनाई गई है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, कुदरत हम इंसानों को बहुत से डिफरेंट आइडियाज देता है। अब आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।